हर नया साल अपने साथ नई होप्स, इंस्पिरेशंस और बिंज वॉच करने के लिए नई एनिमे लेकर आता है और 2022 लास्ट किसी भी साल के तुलना में बहुत बड़ा होने वाला है विद सो मेनी बिग टाइटल्स गेटिंग एन एनिमे एडाप्टेशन और रिटर्निंग विद देयर सेकंड सीजन. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर ऑल द एनिमे एवरीवन इज रियली हाइप्ड अबाउट इन 2022. नंबर 10, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 2. जब द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो पहली बार एयर हुआ था, ऑलमोस्ट सबने इसको एक जेनेरिक सीजनल इसेकाई एनिमे समझा था, पर किसी को ये नहीं पता था कि इट विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट जेनेरिक इसेकाई एनिमे दे हैव एवर वॉच्ड. और सिंस इसका सीजन 1 एयर हुआ था, तब से लेकर अब तक सबको इसके सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार है. यूजुअली एज एन इसेकाई प्रोटैगनिस्ट सब कुछ उनके लिए इजी मोड पे सेट होता था, बट इट वॉज नॉट द सेम केस फॉर इवाटानी नाओफुमी. राइट फ्रॉम द डे ऑफ द समनिंग एज अ शील्ड हीरो, नाओफुमी को उस दुनिया में वीकेस्ट हीरो कंसिडर किया जाता है. फ्रॉम बींग फॉल्सली अक्यूज्ड टू बींग कम्प्लीटली आउटकास्ट, उसको बहुत सारे हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है. और सीजन 2 नाओफुमी के इसी डार्क एंड ट्विस्टेड जर्नी को कंटिन्यू करता है एज ही अटेम्प्ट्स टू सेव मेलरोमार्क फ्रॉम ऑल द अदर कैलामिटीज. नंबर 9, डे टू लाइफ सीजन 4. बहुत लोग सरप्राइज होंगे इस एनिमे को हमारे लिस्ट पे देखकर, पर हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि डोंट बी. आपको शायद पता नहीं होगा कि डे टू लाइफ को जापान में कुछ सबसे पॉपुलर सीरीज में से गिना जाता है और इसके सीजन 4 को लेकर कम्युनिटी में बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है. Everyone is excited to see more of Shido and his adventures with the new spirits. Also, last year इसके light novel की final volume release हुई थी, so इसके anime के लिए सबको बेसब्री से इंतजार है. Number 8, The Devil is a Part-Timer Season 2. Since 2013 जब इस anime को release किया गया था, तब से लेकर अब तक 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस series के सभी fans ने तो almost hope ही छोड़ दी थी कि इसका कभी भी second season आएगा. और फिर सडनली 2021 में आउट ऑफ नोवेयर ये न्यूज़ आती है कि द डेविल इज अ पार्ट टाइमर को फाइनली एक नया सीजन मिल रहा है. इसकी वजह से ये 2022 की कुछ सबसे हाइप्ड एनिमे से एक है. एक सीजन में जहां सभी तरफ सिर्फ इसेकाई एनिमे दिखता है, दिस वन विल बी द ओनली रिवर्स इसेकाई एज माओ एंड एमिलिया फाइनली रिटर्न ऑन देयर कॉन्क्वेस्ट टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल वर्ल्ड. कुछ लोगों को शायद इसकी लाइट नॉवल की एंडिंग ज्यादा पसंद नहीं आई थी, बट दैट डजंट मीन कि इस एनिमे की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है. सो अगर आपने अब तक इसे ट्राई नहीं किया है, देन आपको इसका फर्स्ट सीजन जरूर बिंज वॉच करना चाहिए. नंबर 7, ओवरलॉर्ड सीजन 4. ये एक और एनिमे है जिसके नए सीजन के लिए ऑलमोस्ट सभी वेट कर रहे थे, और पर्सनली हमें भी इसका बेसब्री से इंतजार है. यूजुअली सारे पावर फैंटेसी एनिमे ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, ब्लैंड एंड जेनेरिक, पर ओवरलॉर्ड में ऐसा कुछ तो है जो इसे बाकियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाता है. मोस्ट प्रोबेबली इट्स ड्यू टू द इविल ट्विस्टेड एस्ट्रो द स्टोरी. ऑल्सो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट जो भी बोल लो, आइंस के आउटवर्ड डोमिनेंट बिहेवियर और उसके इनर मोनोलॉग्स के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है कि ये शायद इस शो की पॉपुलैरिटी का एक रीजन हो सकता है. So, ये एनिमे आपके लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए. नंबर 6, ब्लू लॉक. करंट टाइम में एनिमे का स्पोर्ट्स जॉनरा काफी हद तक डेड हो चुका है, विद ओनली अ फ्यू गुड एनिमे कमिंग आउट इन द लास्ट फ्यू इयर्स. बट रिसेंटली ब्लू लॉक को लेकर कम्युनिटी में काफी हाइप बनी हुई है, और ये शायद स्पोर्ट्स जॉनरा को रिवाइव करने के लिए एक नई होप बन सकता है. ब्लू लॉक ओरिजिनली एक स्पोर्ट्स मांगा है अबाउट अ टीनेजर इसागी योइची, जिसका एक ही ड्रीम है, दैट इज बिकमिंग द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर इन द जापानीज फुटबॉल टीम. एक दिन एक कॉन्फिडेंशियल फुटबॉल प्रोजेक्ट कॉल्ड ब्लू लॉक के द्वारा जापान के सारे फुटबॉल प्लेयर्स को इन्वाइट किया है टू डिसाइड द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, एंड इसागी हैपेंस टू बी वन ऑफ देम. नाउ इसागी फाइनली गेट्स टू अर्न हिज नेम इन वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम ऑफ जापान एंड मेक हिज ड्रीम कम ट्रू. नंबर 5, कागुया-सामा लव इज वॉर सीजन 3. रिसेंटली जब A1 पिक्चर्स ने एक प्रोमो में ये अनाउंस किया कि रोमांस कॉमेडी जॉनरा के सबसे पॉपुलर एनिमे कागुया-सामा लव इज वॉर इज फाइनली रिटर्निंग विद सीजन 3, तब से कम्युनिटी में इस एनिमे के लिए अलग ही हाइप बनी हुई है. ये एक हाई स्कूल रोमांस एनिमे है बेस्ड ऑन मियुकी शिरोगाने, द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट कागुया शिनोमिया. बोथ अपीयर टू बी द परफेक्ट कपल अप फ्रंट, बट आर टू प्राउड टू कन्फेस देयर लव. All the schemes and shenanigans they plot to make the other confess their love first, or student council ke sare members ke beech ka interaction, is anime ko itna comedic aur interesting banata hai. Number 4, The Eminence in Shadow. Ye series sari isekai action fantasies ka ek parody version hai, aur seriously aise normal cliches aur tropes ko mock karne wale satire based anime ki kami ke karan almost sabhi light novel fans iske liye bahut hyped hai.
सेट कागेनो हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर बनना चाहता था जिसके बारे में किसी को ना पता हो। बिहाइंड द सीन्स एक ट्रू मास्टरमाइंड या शैडो की तरह वो सारी स्टोरी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहता था। कागेनो किसी भी स्टोरी में मिलने वाले एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होने का प्रिटेंड करता है, सीक्रेटली रिक्रूटिंग मेंबर्स फॉर हिज फेक ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन टू टेक डाउन एन इमेजिनरी मिस्टीरियस कल्ट लर्किंग इन द शैडोज। अगर इसे ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो ये शायद एनिमे ऑफ द ईयर भी बन सकता है। नंबर 3, स्पाइक फैमिली। ये साल बहुत सारे मांगा पे बेस्ड एनिमे अडैप्टेशंस को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है और करंट टाइम में स्पाइक एक्स फैमिली शोनन जंप के कुछ एक्सट्रीमली पॉपुलर सीरीज में से गिना जाता है। एंड देयर इज अ गुड चांस कि इस एनिमे अडैप्टेशन के बाद स्पाइक फैमिली की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। विद अ फादर वर्किंग एज अ स्पाई, अ हिटमैन मदर एंड एन एस्पर डॉटर, स्पाइक फैमिली ब्लेंड्स अ मिक्सचर ऑफ क्वर्की कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग सेटिंग, एक्शन एंड इवन बिट्स ऑफ रोमांस एज अ फेक फॉर्जर फैमिली बिल्ड्स देयर लाइव्स टुगेदर। पर्सनली हम इसके मांगा के बहुत बड़े फैन हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इट। नंबर 2, जिगोकु रकु। दिस इज अनदर शोनन जंप मांगा जिसके एनिमे अडैप्टेशन के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। गाबीमारु, अ निंजा ऑफ इवागाकुरे विलेज, अपने कोल्ड और इमोशनलेस डिमीनर के लिए जाना जाता है। बीट्रेड बाय हिज फेलो निंजा, ही इज नाउ ऑन अ डेथ रो। टायर्ड ऑफ किलिंग एंड बीट्रेयल, ही वांट्स टू डाई पीसफुली, पर कोई भी मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन उस पर काम ही नहीं करता बिकॉज एज मच एज गाबीमारु हेट्स टू एडमिट इट, ही डज हैव अ रीजन टू लिव। With amazing and artistic style action scenes and character designs, ये एक unique, dark और gritty story आपको present करता है, so definitely try it out. And number 1, Chainsaw Man. MAPPA इस साल बहुत सारे बड़े anime projects पर काम कर रहा है और उनमें से Chainsaw Man शायद सबसे ज्यादा controversial या anticipated project है। इसके anime adaptation के announcement के बाद fans बहुत ज्यादा excited है series को anime form में देखने के लिए, making it one of the most hyped upcoming anime series. Chainsaw Man follows the journey of young Denji who would do absolutely any kind of errand to survive. Together apne pet Pochita ke saath wo bahut miserable conditions mein apni life guzarta hai. Denji dreams of living a happy life but one day he encounters a dangerous job and a tragedy turns him to a ruthless demon making him a Chainsaw Man. Iska release date abhi tak confirm nahi hua hai but mostly sab isko 2022 mein hi expect kar rahe hain. हमने इस लिस्ट में सारे पॉपुलर एनिमे को कवर करने की कोशिश की है, पर अगर हमने किसी एनिमे को मिस कर दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि कौन से एनिमे के लिए आप हाइप्ड हो। सो अभी के लिए इतना ही, माता ने।